स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th कैसे हैं? मज़े में? गुड। कितना भी गर्मी है, पढ़ाई तो हो ही रही है, बहुत अच्छा। आइए देखें, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम टिपिकल कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पर हम देखें SN और S, अभी थोड़ा टिपिकल केस हो गया, थोड़ा सा आपको हेल्प लेना पड़ेगा, प्रीएक्टेबल जाना पड़ेगा। आप जानते हैं प्रीएक्टेबल में टीन है कार्बन ग्रुप में, यानी कि कार्बन सल्फर, कार्बन सिलिकन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक। तो और सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली में, मतलब ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम। तो पीरियाडिक टेबल का हेल्प कैसे होगा समझिए। देखो टीन ये कार्बन फैमिली में है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में है, मतलब ये हो गया कि जैसे अब आप इसको देख समझ पा रहे हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस माइनस होता है कार्बोनेट, वैसे ही क्या बन जाएगा, ठीक यही पर देखेंगे तो एस एन डबल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड एस माइनस सिंगल बॉन्ड एस माइनस। अभी एस एन एस थ्री टू एस का स्ट्रक्चर हो गया। अब ऐसा सवाल ये कि स्ट्रक्चर अब कहाँ समझ में आएगा, तो जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में समझ में आएगा। हाँ एक और चीज़, बेहतर तो ये होता कि पहले आप इस सारे क्वेश्चंस का आप इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर जो अंडरलाइंड है उसका अपने से आप निकालने का प्रयास कीजिए, उसको यानी स्क्रीनशॉट लेकर के पहले उसको आप पॉज कर दीजिए, और उसके बाद में फिर आप सॉल्व कर लीजिए, और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए ताकि उसको आपको दिखाई पड़ जाए सोल्यूशन, राइट, ये करेंगे, गुड। अब आप यहाँ देखें तो अब आप जानते हैं टीन मेटेलिक है, सल्फर निगेटिव है, तो बताए थे एवरी सिंगल बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स प्लस वन माइनस वन फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। प्लस वन कौन? जो लेस निगेटिव होगा। माइनस वन कौन? जो मोर निगेटिव होगा। तो आप जानते हैं जैसे यहाँ देखें कार्बन में, तो ये डबल बॉन्ड का माइनस टू प्लस टू, सिंगल बॉन्ड का माइनस वन प्लस, इस तरह से यहाँ देखेंगे क्या, ये डबल बॉन्ड का देखो सिंगल बॉन्ड सल्फर और टिन, तो प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, राइट। तो सल्फर कितना हो गया? माइनस टू। और यहाँ देखिए सल्फर और ये सल्फर इसका वही माइनस वन प्लस वन, इसका भी माइनस वन प्लस वन, तो सल टिन कितना हो गया? प्लस फोर। देखो पहले से माइनस वन था, एक माइनस वन आ गया टिन से, तो ये हो गया माइनस टू। यहाँ भी वही चीज़, पहले से एक माइनस था, एक माइनस बाद में आ गया तो माइनस टू, यानी यहाँ पर सल्फर का जो स्टेट है वह है माइनस टू और टिन का स्टेट है प्लस फोर। कन्फर्म करने के लिए देखो प्लस फोर और माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस टू, ये कन्फर्म हो गया। बस यहाँ देखें अब इसका स्ट्रक्चर दिखना पड़ेगा आपको, जैसे सल्फर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ है माइनस चार्ज, ये थायोसाइनेट। तो सल्फर क्या हो जाएगा? फिर से वही देखिए स्ट्रक्चर कैसे, सिंगल बॉन्ड तो कार्बन को हो गया प्लस वन, सल्फर को हो गया माइनस वन, एक माइनस पहले से था तो एस पे हो गया माइनस टू, एस पे हो गया माइनस टू, ये तो ओवरऑल चार्ज याद रखिए, ये वाला माइनस वन ओवरऑल चार्ज। और ट्रिपल बॉन्ड तो ये माइनस थ्री, ये प्लस थ्री, तो प्लस थ्री प्लस वन ये मिलो कि हो गया प्लस फोर, और ये हो गया माइनस थ्री। अब ध्यान देखिए तो फोर और माइनस फाइव लिखे हो गया माइनस वन ना, ये कन्फर्म हो गया, देखते रहिए यहाँ से। इसी का एक और स्ट्रक्चर है, अब वो बाद में बात करनी है, अभी चाहे तो आप देख सकते हैं। देखो जैसे हम ये ले लें सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये यहाँ माइनस चार्ज, यानी वहाँ पर देखो सल्फर ये है थायोसाइनेट, ये है आइसोथायोसाइनेट। तो अब यहाँ पर कार्बन क्या हो जाएगा? सल्फर का देखो डबल बॉन्ड है तो ये माइनस टू, ये प्लस टू, ये भी नाइट्रोजन मोर नेगेटिव है तो प्लस टू माइनस टू, तो कार्बन का हो गया प्लस फोर, सल्फर का माइनस टू, और माइनस वन पहले से माइनस टू बाद में गया तो माइनस थ्री, यानी क्या हो गया एस सी एन पर एस का माइनस टू कार्बन का प्लस फोर इसका हो गया माइनस थ्री, मिलकर के सब क्या हो जाएगा देखो माइनस टू प्लस फोर माइनस मिलकर हो गया माइनस वन, ये इस पर ये माइनस चार्ज है, राइट। टिपिकल केस बता दिया हमने। सी ए एच सुपर थ्राइस, देखिए बेस्ट तो क्या क्या है, इसको आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा सी ए प्लस प्लस और ट्वाइस एच एस ओ थ्री माइनस। अब ये टू हो कि ट्वेंटी हो कि टू मिलियन, फर्क नहीं पड़ता है, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा एच एस ओ थ्री माइनस, यानी यहाँ पर सल्फर फाइंड करना है तो वास्तव में वो हो गया
एच सिंपल हो गया एच एस ओ थ्री माइनस, ये इसकी सिंपल कहानी हो गई। तो फिर एस फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वही एच का प्लस वन, एस का नहीं पता था एक्स, ओ का माइनस टू, तो थ्री हो गया, तो माइनस सिक्स इक्वल्स टू ये हो गया माइनस वन। सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया फिर ये, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस वन, और ये हो गया प्लस फाइव, यानी कि हो गया ये प्लस फोर, तो यहाँ पर इसका स्टेट हो गया प्लस फोर, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया प्लस फोर। जरा यहाँ देखें सल्फर का, इसमें देखें वही प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि टू एक्स इक्वल्स टू, टू एक्स इक्वल्स टू प्लस ट्वेल्व, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस सिक्स, ये बिल्कुल सही। समस्या देखिए यहाँ आ जाएगा कैसे, वही करेंगे प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल्स टू, टू एक्स इक्वल्स टू प्लस फोर्टीन, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस सेवन। अब ये नहीं पॉसिबल है, क्यों, सल्फर सिक्सटीन ग्रुप का मेंबर है, इसके वैलेंसी सेल में सिर्फ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिक्स ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर हो गया सिक्स। और जानना चाहे कैसे हो गया सिक्स, तो ये भी हम आपको बता सकते हैं, ये ध्यान देखिए, इसी पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए और पर देखिएगा, ठीक है, इसका नहीं, ये इसका बता रहा हूँ किसका, टू तो स्ट्रक्चर देखिए एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ एच डबल बॉन्ड ओ, ये है एच टू एच टू ओ एट। अब खुद देखें वही अप्लाई करेंगे फंडामेंटल अप्रोच, इस सफर के देखो डबल बॉन्ड है तो ओ का माइनस टू ये प्लस टू, सिंगल बॉन्ड है तो माइनस वन प्लस वन, डबल बॉन्ड है तो माइनस टू प्लस टू, सिंगल बॉन्ड है तो माइनस वन प्लस वन। अब आप इसको जोड़ देंगे तो अपने आप देखो टू वन अपने आप ही प्लस सिक्स, ऐसे अभी तो अपने आप ही प्लस सिक्स आएगा, यानी यहाँ पर प्लस सेवन न होकर के प्लस सिक्स ही उसका सही जवाब होगा, ये हमने आपको बता दिया, राइट। अब आप देखें सनाइड माइनस, इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पर है माइनस चार्ज, राइट। अब खुद देखिए ट्रिपल बॉन्ड एन मोर नेगेटिव है तो ये माइनस थ्री ये प्लस थ्री, तो नाइट्रोजन पर हो गया माइनस थ्री, और कार्बन पर पहले से एक माइनस था और प्लस थ्री आ गया ये बॉन्ड से, तो प्लस थ्री और प्लस टू, यानी साइनाइड पर क्या हो जाएगा, कार्बन का हो गया प्लस टू, एन का हो गया माइनस थ्री, इसीलिए मिल करके माइनस वन हो गया, राइट। फास्ट ध्यान देखिए एन टू एच फोर प्लस, अब देखो हाइड्रोजन कंपाउंड है एन एच टू एन एच टू, ये हाइड्रोजन एन टू एच फोर, लोन पेयर है ये एच इसलिए लेगा, यहाँ पर एच को दे देगा तो ये हो जाएगा प्लस चार्ज। अब बहुत ध्यान से देखिए कैसे, जैसे इस एन को देखेंगे तो ये हो गया प्लस वन माइनस वन प्लस वन, और ये माइनस वन, और इसका जीरो जीरो, यानी एक एन का देखेंगे यहाँ पर तो हो गया माइनस टू, एक एन पर हो गया माइनस टू, और यहाँ देखेंगे ये यहाँ पर एन का देखेंगे ध्यान से, एन का माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन और जीरो जीरो और एक प्लस है, यानी कि माइनस थ्री चार्ज हुआ बांड से और एक प्लस प्लस से था तो माइनस थ्री और प्लस, यानी यहाँ पर भी एन पर माइनस हो गया, समझ गए, तो इसको यानी कि एन पर आ गया माइनस टू। एक और तरीका, जैसे नॉर्मल तरीका से कैसे, टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू प्लस वन, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर बाई टू, यानी माइनस टू, ऐसे भी आंसर आ गया, राइट। अब यहाँ देखिए एन ए थ्री, इसको तोड़ दो तो एन ए प्लस और ये टूटेगा एन थ्री माइनस, इसका नाम है एजाइड, तो अब वही थ्री एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री हो गया। एन टू ओ, यहाँ भी देखो बहुत आसान है, ओ ऑक्साइड है माइनस टू है, तो यहाँ पर क्यों, देखो फ्लोरीन मोस्ट निगेटिव है, फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, तो ओ मोर निगेटिव है, तो ये हो गया टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो फिर टू एक्स इक्वल्स टू प्लस टू, एक्स इक्वल्स टू प्लस वन, तो यहाँ पर इसका स्टेट है प्लस वन। नाइट्रोजन के टू पी सी, देखो के का है प्लस वन, तो क्या हो जाएगा फिर ये प्लस टू प्लस एक्स माइनस सिक्स, क्योंकि हेलोजन को है माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ओवरऑल चार ओवरऑल चार जीरो है, तो फिर क्या हो गया एक्स इक्वल्स टू यहाँ हो गया प्लस फोर, तो यहाँ पर ये प्लस फोर स्टेट में है, ये क्लियर हो गया। ओ से बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ये माइनस टू प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, यानी एक्स इक्वल्स टू प्लस वन, तो ये हाइपोलाइट है, ये सी एल पर प्लस वन है ना कि माइनस वन, माइनस वन तो पूरे होल मॉलिक्यूल पर है। डायमंड है ग्रेफाइट है जीरो, क्यों, अरे भाई मान लो कार्बन इन्फिनिटी है तो जीरो हो गया ना कि जीरो, ठीक, हाँ जी डायमंड हो सपोज जीरो। यहाँ देखेंगे ये प्लस एक्स, वाटर का जीरो है तो जीरो,
और Cl हैलोजन माइनस वन, तो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, हैंस x इक्वल टू प्लस थ्री। तो यहाँ पर क्रोमियम प्लस थ्री स्टेट में है। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी k का है प्लस वन, Cl ने बताया है तो x, O3 का माइनस टू तो माइनस सिक्स, Cl का माइनस वन इक्वल टू जीरो। यानी सॉल्व करने से कितना हो गया, ये देखो O11 कैंसिल हो गया तो अपने आप x इक्वल टू प्लस सिक्स आ गया, ये हो गया करेक्ट। अब जरा यहाँ देखें,